सुजा यादव, आप देख रहे हैं केके न्यूज 24। आप सभी दर्शकों को राष्ट्रीय समाचार पत्र कुशीनगर केसरी व केके न्यूज 24 चैनल की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए आपसी भाईचारे के साथ मनाए होली, यही कुशीनगर केसरी की है अपील। अब खबरें फटाफट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के नवागत पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल ने किया कार्यभार ग्रहण। कार्यभार संभालने के बाद नवागत पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल ने जनपद के समस्त क्षेत्र अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ किया समीक्षा बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। उसके उपरांत मीडिया से हुए मुखातिब, कहा सरकार की मंशा के अनुरूप रूटीन वर्क के साथ शांति व्यवस्था कायम रखना है पहली प्राथमिकता। सोनभद्र के बीजपुर थाना क्षेत्र के शेरू धारिकार पुत्र सुरेश धारिकार डोडहर बीजपुर निवासी मुखबिर की सूचना पर एक 3x15 बोर्ड और एक जिंदा कारतूस के साथ बैठक बाईपास तिराहा के पास से गिरफ्तार कर भेजा गया। जे सोनभद्र के मुख्यालय पर आ रहे फायर ब्रिगेड के वाहन में हाथी नाला स्थित पार्क से कुछ दूर पर दुधी की ओर से आ रहे ट्रक ने अग्निशमन वाहन से मारी जोरदार टक्कर, जिससे कि अग्निशमन में बैठे 3 पुलिस आरक्षी गंभीर रूप से हुए घायल, किया गया अस्पताल में भर्ती। बिहार के बगहा में टीचर से 11 बगहा 2 क्रिकेट टीम का हुआ गठन। बाबा भूतनाथ कॉलेज और सानी बगहा 2 में हुआ ट्रायल मैच। बगहा में मोडफोर्ड विद्यालय द्वारा फीस माफ नहीं करने पर बच्चों व अभिभावकों ने अनुमंडल कार्यालय में दिया आवेदन व विद्यालय के खिलाफ किया प्रदर्शन। बिहार के मधुबनी जिले के राजकृत हरदेव प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज में इंटरमीडिएट का परिणाम आने से छात्र व छात्राओं में दौड़ी खुशी की लहर। इसी के साथ आज का हमारा मुख्य समाचार समाप्त होता है। नमस्कार।